हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.1 उसके क्वेश्चंस जो हैं वो समझेंगे। तो ये जो आपके एक्सरसाइज है, ये नई बुक की एक्सरसाइज है। अभी तक मैंने जो दो तीन वीडियोस बनाई थी एक्सरसाइजेस को लेके, वो ओल्ड बुक से बनाई थी। तो अभी वन जो नई बुक है उसमें क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट हैं और थोड़े कम भी हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसके तीन पार्ट हैं। तो अगर आपके पास बुक है, बुक को खोल के देखिए, उसमें लिखा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तीन स्टेटमेंट्स हैं, उसमें आपने बताना है कि मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी उसमें यूज की गई है। तो अगर आपने प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लिया है तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए बताने में इसका आंसर। उसका जो हिंट है आपको क्वेश्चन से भी मिल जाता है। जैसे हम पार्ट ए लेते हैं, -4/5 × 1 = 1 × -4/5 = -4/5। तो यहाँ पर देखिए 1 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पर भी, और आंसर सेम है। तो मतलब 1 से आपको कुछ आइडिया लगना चाहिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसका आंसर क्या होगा, 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर वही नंबर होता है। a × 1 = a या 1 × a = a। तो 1 से मल्टीप्लाई किया गया तो आंसर वही है। तो इट इज़ 1 इज़ द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा पार्ट जो है, −13/17 × −2/7 = −2/7 × −13/17। मतलब पहले इनका जो ऑर्डर है मल्टीप्लीकेशन का वो चेंज कर दिया गया है। तो आपको जैसे मालूम है 2 × 4 = 4 × 2, आंसर सेम होगा। तो इसका आंसर यही होगा। तो इसका क्या मतलब है, इनकी जगह बदल दी गई है। तो मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब हम नंबर्स की जगह बदल देते हैं तो आंसर सेम होता है। तो यहां पर −2/7 पहले था और वो आगे आ गया, ये पीछे चला गया, आंसर सेम है। तो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपने कैसे समझना है कि सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है, बस उनका सीक्वेंस चेंज कर दिया गया है। जब सीक्वेंस चेंज कर दिया जाए एडिशन में या मल्टीप्लीकेशन में, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अपनी जगह बदल दी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं, −19/29 इसको मल्टीप्लाई किया गया 29/-19 = 1। मतलब ये जो यहां नंबर था वो नीचे चला गया और ये वाला ऊपर आ गया और आंसर हो गया 1। तो ये क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, उल्टा हो गया, या रेसिप्रोकल भी कहते हैं इसको, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जब a को 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 हो गया, मतलब उसको हमने रिवर्स कर दिया। या इसको अगर रेशनल नंबर में लिखेंगे, p/q को मल्टीप्लाई करेंगे हम q/p से, q ऊपर चला गया, p नीचे आ गया, आंसर 1 होगा। तो यही है, ये नीचे चला गया, ये ऊपर आ गया। तो इसका हिंट आपसे कैसे भी लेना है कि नंबर को उल्टा कर दिया गया है। उल्टा कर दिया गया मतलब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो यहां से हिंट लेना आपने, यहां पर जगह बदल दी गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहां 1 से मल्टीप्लाई किया गया है
वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर वन है। अभी क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाते हैं। तीन ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है इसमें। उसमें भी आपने प्रॉपर्टी बतानी है कि किस प्रॉपर्टी को यूज किया गया है इस इक्वेशन में, क्वेश्चन में। टू, ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि मल्टीप्लाई किया गया है, वन अपॉन थ्री ब्रैकेट में सिक्स इंटू फोर अपॉन थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री इंटू सिक्स फोर अपॉन थ्री। देखिए नंबर सेम है, ये वन अपॉन थ्री, ये वन अपॉन थ्री, ये सिक्स सिक्स, फोर अपॉन थ्री, फोर अपॉन थ्री। तो सेम नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम किसी भी सीक्वेंस में हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं किसी सीक्वेंस में। तो उसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे सिंपल मैं बताऊं, टू इंटू थ्री इंटू फोर, या टू इंटू फोर इंटू थ्री, या फोर इंटू थ्री इंटू टू, किसी भी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सेम होगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सीक्वेंस ये जो है, नंबर वही है। तो इसमें आपने क्या देखना है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या सीक्वेंस बदल रहा है, मल्टीप्लाई है तो एसोसिएटिव, ऐड हो रहा है तभी भी एसोसिएटिव। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। तो इसका थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। थर्ड में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेशन इज ऑलवेज, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, ये ब्लैंक फिलअप करना है। मतलब दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका आंसर होगा वो क्या होगा। तभी जैसे मान लीजिए हम करें टू इंटू थ्री, इसको वन कर देते हैं, ऐसे रेशनल बना देते हैं सिक्स अपॉन वन, या वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन थ्री, ये हो जाएगा वन अपॉन सिक्स। तो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो जब भी दो रेशनल, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट गुना करना, तो गुना करने से जो आंसर आ रहा है वो क्या है, वो हमेशा रेशनल नंबर होता है। जब दो नंबर रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा वो हमेशा रेशनल नंबर होगा, चाहे आप जीरो से भी मल्टीप्लाई करें। मान लीजिए हम लिखें टू अपॉन फाइव इंटू जीरो, आंसर जीरो होगा, तो जीरो भी रेशनल नंबर है क्योंकि जीरो को हम जीरो अपॉन वन शो कर सकते हैं, जीरो इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो इस केस में भी वो रेशनल नंबर होगा, तो इसका आंसर होगा रेशनल नंबर। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इसमें तीन ही क्वेश्चंस हैं, पुरानी बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इसमें इन्होंने थोड़ा कम कर दिए हैं। तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिए प्रॉपर्टीज को, और उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।